हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। तो फैमिली मैन सीजन 2 रिलीज हो गया है और सबसे पहला जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने सीजन 1 को इतना एंजॉय करा, उसके अंदर इतना सस्पेंस, इतना थ्रिल था, क्या सीजन 2 उसके ऊपर खरा उतरता है कि नहीं। तो मैं ज़्यादा इस क्राइम ड्रामा थ्रिलर के अंदर ज़्यादा सस्पेंस बना के नहीं रखूँगा। हाँ जी, सीजन 2 जो है वो उसके ऊपर खरा उतरता है। बट आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि वो कितना खरा उतरता है। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे होते हैं, एक आधी डिश अगर गलत भी निकल जाती है, क्योंकि आपने मंगवाई है अपनी जॉइंट फैमिली के लिए कम से कम 10 अलग अलग डिशेस, तो होता क्या है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप एक्सपीरियंस लेके जाते हैं और ओवरऑल आप बात करते हैं कि रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आपको सर्व किया गया, आपने क्या खाया, और ओवरऑल आपका टेस्ट बर्ड्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं और आपका टाइम अच्छा बीता कि नहीं बीता। तो दोस्तों इसी नज़रिए से हमें देखना होगा फैमिली मैन सीज़न 2 को। इसके अंदर कुछ कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छे क्राइम ड्रामा थ्रिलर जो इसका जॉनर है उसके लिए होनी चाहिए थी, बट ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों ये कमाल का सीज़न 2 बना है। तो मेरा अटेम्प्ट दोस्तों ये रहेगा कि मैं आपको आज इसकी स्टोरी के बारे में इंडिकेशन दूँ कि इसकी स्टोरी क्या है, विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स, किस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट सीज़न 2 में हुई है एज़ कम्पेयर टू सीज़न 1, और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट और स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरी लाइन भी है दोस्तों वो हमें पता ही है, कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई हैं, थोड़ी सी सेंसिटिव है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि कितनी अच्छी एक्टिंग हुई है। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों पहले हम बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दमदार है इसके अंदर। आप देखोगे कि काफ़ी सारे अलग अलग स्टोरीज इन पैरेलल चल रही हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं रेबल्स की। रेबल्स का क्या मुद्दा है, वो क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा तमिल लैंग्वेज का यूसेज दिखेगा। मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश सब टाइटल आ जाते हैं, बट कुछ ऐसी ऑडियंस होगी जो इंग्लिश पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए अभी हिंदी सब टाइटल्स नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला एरिया है। क्योंकि अगर आपको उनका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा कि वो रिबेलियंस क्यों हैं, तो शायद आप स्टोरी का काफ़ी ज़्यादा क्रक्स मिस आउट कर जाओगे। मेरी समझ के हिसाब से अगर इंडिया में आप इस तरीके की सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं और हिंदी सबटाइटल नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फिर मास रीच नहीं ले पाएंगे। सेकेंडली दोस्तों एक स्टोरी है श्रीकांत की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि वो आज की डेट में भाई साहब कर क्या रहे हैं। हमने ट्रेलर में भी देखा था कि वो कॉर्पोरेट लाइफ में चला गया, लेकिन उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है और उसका ध्यान जाता रहता है डीके और टास्क फोर्स के अंदर जहाँ पर वो पहले काम किया करता था, और टास्क में क्या हो रहा है वो डीके से पूरी खबर लेता रहता है और कहीं ना कहीं कोशिश भी करता है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देता रहे। फिर हम दोस्तों देखते हैं श्रीकांत की पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है, और वो पर्सनल लाइफ है उसकी वाइफ के साथ, उसके बच्चों के साथ। तो वाइफ की जो स्टोरी है, मनोदशा है, वो देखते हैं, और जो उसके बच्चे हैं जो एडोलेसेंस एज में एंटर करने वाली है, स्पेसिफिकली उसकी लड़की, और उसका रिलेशनशिप उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या है। और काफ़ी हद तक चीज़ें काफ़ी, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि प्रेडिक्टेबल होंगी, क्योंकि सीज़न 1 में जिस तरीके से आपने देखा था कि एंड के एपिसोड तक भी आप थोड़ा गेस वर्क ही करते रहे तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बोलूँगा कि फर्स्ट एपिसोड जो एक घंटा बड़ा लंबा है, अच्छा खासा उसके अंदर सेटअप हो जाता है सिनेरियो, उसके बाद आपको हर चीज़ प्रेडिक्टेबल लगेगी, चाहे वो श्रीकांत की स्टोरी हो, चाहे उसके बच्चों की स्टोरी हो, चाहे उसकी वाइफ की स्टोरी हो, चाहे उसकी खुद की मनोदशा हो कि उसका मन जो है कॉर्पोरेट लाइफ में आउट ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं उसमें लग नहीं रहा है। और साथ ही साथ में आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट दो एपिसोड में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जो रेबल ग्रुप है उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों रेबल बने हुए हैं। और थर्ड एपिसोड के आते आते आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि गवर्नमेंट का इसके अंदर क्या स्टैंड है और वो क्यों चाहती है कि कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट बने रहें या कन्फ्लिक्ट हट जाएँ। वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप स्टोरी के अंदर देखिए। बट मेरे कहने का मुद्दा ये है कि इस बारी स्टोरी को आगे पीछे भी किया गया है, लेकिन थोड़ा लीनियर तरीके की स्टोरी है, इसके अंदर कोई सस्पेंस बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखा है, तो प्रेडिक्टेबल होगी। हाँ, जिस तरीके से ये शूट हुई है, मैं कैमरा वर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो बहुत अच्छे से शूट हुई है। नेचुरल लोकेशंस हैं जहाँ पर, फर्स्ट एपिसोड के अंदर ये आप देखते हो जो श्रीलंका में शूट किया गया है वो बहुत अच्छा फॉरेस्ट, हाफ फॉरेस्ट और हाफ पानी वाले जो सीन हैं, जो शिप्स के सीन हैं, बोट्स के सीन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, क्योंकि सेट्स नहीं लगाए हैं। और एक बहुत ही हाई ऑक्टेन सीन है दोस्तों पुलिस स्टेशन वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो 6th to 9th एपिसोड में बेसिकली कहानी का मेन क्रक्स आता है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में दोस्तों आप ये नोटिस करोगे कि पहले 5 एपिसोड बहुत हद तक स्टोरी को डेवलप करने में और कुछ कुछ हिंट्स देने में आपको दिए जाते हैं, ताकि आप जो 6th से 9th एपिसोड में जो बहुत ज़्यादा थ्रिल आता है, एक्शन आता है और बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता रहता है, ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, उसको आप ईजिली लिंक कर लेते हो। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल सीरीज़ देखी है वो पहले से ही समझ जाएंगे कि ये जो हिंट्स मिल रही हैं ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इसके अंदर कैसी रही है? मेरे हिसाब से सीजन टू का कैरेक्टर डेवलपमेंट सीजन वन से भी बेहतरीन है। अब दोस्तों यहाँ पर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इसको इक्वेट करूँगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे शोले की याद दिलाया। शोले में देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या था, मैं सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हर एक कैरेक्टर, चाहे एक छोटा छोटा सांबा था जिसका एक ही डायलॉग था, कितने आदमी थे और उसने बोला दो सरकार, सिर्फ इतना डायलॉग था, लेकिन वो आज तक फेमस है। इस मूवी को आए हुए करीबन 35-36 साल हो गए, शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हों। अब दोस्तों यहाँ पर भी क्या है कि आपको एक एक कैरेक्टर जो जो भी इसमें डाला है वो सिर्फ प्लेस होल्डर नहीं है, आपको उसके बच्चे की कहानी, और मैं स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो बच्चा है आप देखोगे फर्स्ट टू एपिसोड के अंदर कहीं ना कहीं वो लोनली फील कर रहा है, उसके साथ कोई खेल नहीं रहा, क्योंकि जो उसकी बहन है श्रीकांत की फर्स्ट जो डॉटर है, एल्डर डॉटर है, अब वो थोड़ी एडोलेसेंस एज में जा चुकी है, तो उसके अपने मुद्दे हैं लाइफ में, और हस्बैंड वाइफ आपस में बात नहीं करते हैं ज़्यादा, श्रीकांत और उसकी वाइफ, तो वो अपना एक जूझ रहे हैं लाइफ के अंदर। हालांकि जिस तरीके से इसको डिलीवर किया गया वो कॉमेडी के रूप में डिलीवर किया गया, तो आप देखोगे कि जो बच्चे की मनोदशा है उसके साथ कोई खेल नहीं रहा है, तो वो एक हिप्नोटाइज करने वाला एक सीन है डॉग के साथ, वो बहुत ही प्यारा इनोसेंट है। तो ऐसे बहुत सारे आप मोमेंट्स देखोगे जहाँ कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, चाहे वो उसके बच्चे हों, चाहे डीके हो, डीके कौन है, डीके फ्रेंड है श्रीकांत का, और बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप दिखाया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो फ्रेंडशिप होती है वो इस तरीके की गहरी होती है कि चाहे एक दूसरे को गाली भी दे रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये गाली जो है ना ये प्यार वाली गाली है, और जिस टाइम वो गाली नहीं देगा तो आपको पिंच होगा, यार कुछ गड़बड़ लग रही है, इसका शायद मूड वूड ठीक नहीं है, तो उस तरीके का रिलेशनशिप दिखाया गया। समैंथा की यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, समैंथा का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया वो सुपर्ब है। जिस तरीके से आप उसको फर्स्ट एपिसोड, डेढ़ एपिसोड तक मैं बोलूँगा देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि कितनी प्यारी इनोसेंट गर्ल है, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और फिर जो टर्न अराउंड होता है, अब बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर कैरेक्टर में, लेकिन उसके बाद फिर वो लीनियर हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये कैरेक्टर किस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस पूरी सीरीज का ट्रीटमेंट स्क्रीन प्ले कैसा रहा है। ट्रीटमेंट स्क्रीन प्ले बहुत ही बेहतरीन रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप उसी जोन के अंदर ट्रांसपोज हो गए हो, और जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला कि बहुत ज़्यादा सेट्स वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करी गई है, रियल लोकेशंस में इसको शूट किया गया, और पुलिस स्टेशन वाला सीन जो यहाँ पर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई ऑक्टेन है, और बीच बीच में एक श्रीकांत का सीन आता है जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डायलॉग्स मारता है, आई थिंक 6th एपिसोड के अंदर है वो, आप देखोगे आप बोलोगे यार मनोज बाजपेयी ने क्या समा बांधा है, और वो समा इसलिए बांधा है क्योंकि वाइल ही इज़ डिलीवरिंग डायलॉग इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अदर एक्टर्स कि किस तरीके से वो भी पूरा सीन को और ज़्यादा इंटेंस बना दें। तो एक बेहतरीन एक्टर वही होता है दोस्तों जो बाकियों को भी हेल्प करे, तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद समैंथा इज़ अ सरप्राइज पैकेज, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, उनका एक्शन बहुत पसंद आएगा, और जो उनका धीरे से बोलने का अंदाज है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल लगता है, और इस तरीके का लगता है कि वो कुछ घर गुजरेगी, तो वो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स होता है ना, यहाँ पर वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स है, एंड शी डिलीवर्स द परफॉर्मेंस रियली वेल, एंड शी माइट गेट मोर वर्क, आई डोंट नो वेदर शी नोज हिंदी और नॉट, बट अगर हिंदी आती है तो यहाँ काफ़ी काम उनको मिलेगा। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि ये सीरीज़ में चाहे छोटी मोटी कामियाँ हों, जैसे लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला कि शायद आप जब रीड नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश तो शायद आप कुछ कुछ चीज़ें मिस आउट कर दो, बहुत ही लीनियर स्टोरी है, कुछ ना कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाएंगी, तो ये सब खामियां होने के बावजूद भी ये काफ़ी हाई इंटेंस आपको सीरीज़ दिखेगी, जिसके अंदर आपको ड्रामा दिखेगा, जिसके अंदर आपको एक पर्पस दिखेगा देश के लिए, और आपको कहीं ना कहीं ये जो डिलीवर किया गया बीच बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि पॉलिटिकल मुद्दे आ जाते हैं, थोड़ा टेररिज्म भी आ जाता है, तो जिस तरीके से इसकी डिलीवरी हुई है वो कॉमेडी का फ्लेवर भी आपको आता रहता है। कॉमेडी इज़ नॉट द राइट वर्ड, लाइट हार्टेड मोमेंट आते रहते हैं, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से बात करते हैं, बैंटर देते हैं दूसरे को, बैंटर मतलब हंसी खुशी वाले जो होते हैं ना, खींचातानी वाले, थोड़ा लेग पुलिंग जिसको बोलते हैं, उस तरीके के जो आपके मुंह पे स्माइल लेके आ जाता है, और हु कैन फॉरगेट द बैंटर बिटवीन श्रीकांत एंड हिज बॉस, तो डोंट बी अ मिनिमम वाले जो डायलॉग्स हैं वो आपको बिल्कुल रिलेटेबल लगेंगे जो कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो इच होती है ना कि यार ये आदमी बड़ी देर से बोले जा रहा है और जो सुनने वाला आदमी है जैसे श्रीकांत है वो कब फटेगा, तो वो बहुत मज़ेदार होता रहता है। लास्टली दोस्तों मैं बोलूँगा कि हर सीन के अंदर जो थ्रिलिंग क्वेश्चन होना चाहिए
वो राज एंड डीके ने मेंटेन करा है। तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी बहुत ज़्यादा लीनियर चले जा रही है और आपको वो गूज़बम्स नहीं आ रहे हैं, आपको हर चीज़ के अंदर गूज़बम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसकी श्रीकांत की जो बच्ची है वो अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है तो कुछ मोमेंट्स आएंगे, आपको कुछ ना कुछ लगेगा यार इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट शी नीड्स प्रोटेक्शन। तो जो थ्रिल होता है कि यार इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, सिमिलरली यू विल स्टार्ट फीलिंग फॉर हिज सन एज वेल, यू विल ऑल्सो फील इट फॉर डीके व्हेन ही इज गोइंग अलोन इन द फील्ड, समटाइम्स यू विल फील इट फॉर समैंथा ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं मिड ऑफ द सीरीज में आप इस कैरेक्टर के साथ इमोशनली भी इन्वॉल्व हो जाओगे। जब इसकी बैक स्टोरी समझ में आएगी तो आपको वाइट और जो ब्लैक होता है उसके अंदर का जो फ़र्क है वो ख़त्म होता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं ग्रे शेड्स दिखेंगे। तो ओवरऑल बेसिस में बोलूँगा ये सीरीज़ बहुत अच्छी बनी है, आप इसको देखो, आप इन्जॉय करो। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मीनिंगफुल लगा होगा और बैलेंस लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो तो आप इसको शेयर करिए और वो जो थम्स अप वाला बटन होता है उसको दबाइए, और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड यू आर सीइंग माय वीडियोस फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, डू सपोर्ट मूवी शूवी एंड बिकम अ मूवी शूवी इन योरसेल्फ। सी यू, बाय।